डीटीएच न्यूज 24 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने लोगबागों से जानकारी लेने की कोशिश करी कि इस महामारी के दौर में लोग किस तरह से जी रहे हैं, बिजनेसमैन किस तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा से न्यूज का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी जैसे टाइम टू टाइम लॉकडाउन सरकार करती रही है, सबसे पहले लॉकडाउन मार्च में जो केंद्र सरकार ने डिक्लेयर करा था, उस लॉकडाउन के तहत सरकार ने जनता की कोई व्यवस्था नहीं करी, ना ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से केंद्र सरकार ने कोई डिस्कशन करा, ना ही विपक्ष की पार्टियों से केंद्र सरकार ने कोई डिस्कशन करा। क्योंकि जिस तरह की महामारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को विपक्षी दल और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उसके साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए था कि इस तरह की आपदा देश के ऊपर आने जा रही है, कि आप लोग सरकार के साथ मिल के चलें, हमें जानकारी दे कैसे हम इससे निपट सकते हैं। तो उसको देखते हुए लॉकडाउन की जो व्यवस्था थी उसमें केंद्र सरकार फेल हो गई, क्योंकि जैसे ही हमारा जनवरी के अंदर पहला कोरोना का पेशेंट आया था, हमें सबसे पहले सरकार को एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे थे उनको वहीं अपने कवर कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये बीमारी पैसे वाले लेकर आए हैं और उसको भुगतना गरीब आदमी को पड़ रहा है। उस दौरान में सरकार, केंद्र सरकार, जो बाहर से विदेश से लोग आ रहे थे उनको अपनी निगरानी में रखती, उनकी जांच करती, उसके बाद उनको उनके घर जाने देती। तो इस तरह की महामारी सरकार और देश बचाए रहते, तो यहाँ हमारी सरकार फेल हो गई। उसके बाद टाइम टू टाइम सरकार अपनी गाइडलाइंस करती रही, केंद्र सरकार ने थाली बजवाई, ताली बजवाई, उसके बाद दिए जलवाए। हमारा देश पहले से ही अंधविश्वास में चल रहा है और देखा ये गया इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। क्योंकि जैसे पहले हम देखते थे कि अंधविश्वास के तहत लोग वह पाठ में पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पर देखने में यह आया कि इस महामारी के दौरान में कोई भी भगवान काम नहीं आया। सिर्फ जो काम आए हैं वो हमारे योद्धा जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो अपने सुबह निकलते हैं अपने बच्चों को छोड़ के और सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं। तो उसके तहत हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सें हैं, उसके बाद हमारी पुलिस आती है, इन सब ने अपने सहयोग से जनता को बचाने की कोशिश करी है। क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, सरकार ने सब जनता के ऊपर डाल दिया कि जिसको बचना खुद बचिए। उसके बाद अभी जैसे लास्ट में सरकार ने मजदूरों को प्लान करने का कहा कि ये आप जा सकते, उसमें भी सरकार ने कोई दिशा निर्देश डिसाइड नहीं करे। हमारे प्रवासी मजदूर दर दर के ठोके ढोकरे खा रहे हैं, उनके पैरों की स्थिति ऐसी हो कि छाले पड़ गए हैं, नीचे तलवे फट गए हैं। ये सरकार की नाकामियां दर्शाती हैं। सरकार हर जगह फेल होती रही है, केंद्र सरकार भी और स्टेट सरकारें भी अपनी अपनी स्थिति में फेल होती रही हैं। उन्होंने किसी भी जनता का ध्यान नहीं दिया। और जो 20 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, मैं जानता हूँ ना तो किसी निचले स्तर के बिजनेसमैन के हाथ लगना कीजिए, लघु उद्योग लगाने की बात हो रही है, लघु उद्योग वालों को दिया जाए, किसी को नहीं मिलेगा इस तरह का पैसा। दूसरा ये कि मजदूर है, जब सरकार कोई देना है तो वो लोन क्यों दे रही है, उसको सहयोग राशि के रूप में उसके खाते में देना चाहिए। सरकार बैंकों के अंदर जितने लोगों के खाते हैं उससे पता पड़ जाता है कि कौन सा खाता किस स्तर का,
तो उसी स्तर से सरकार को उनके खाते में अनुदान राशि देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और उससे इकोनॉमिक हमारे देश की उठ सकती है। जब लोगों के जेब में पैसे होंगे तभी तो लोग मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे। इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है वो जनता के हाथ में नहीं आएगा, वो ज़्यादातर जो आएगा जो मोटी मोटी असामी बिजनेसमैन जो बैठे हैं उनके पास ही जाएंगे। अभी सरकार ने पैकेज के दौरान ने हमारे फाइनेंस मंत्री ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि जो लोगों ने पहले लोन लिया जिन्होंने नहीं दिया वो भी लोन ले सकते हैं, तो गरीब आदमी फायदा क्या रहा है, वो तो फिर लोन लेंगे फिर भाग जाएंगे, तो कोई गारंटी है नहीं। और लोग भाग लोन लेने भी जाएंगे तो किस स्तर से जाएंगे, ना कोई गाइडलाइंस है ना कुछ है। बैंक कह रहे हैं कि ये बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, सरकार की जिम्मेवारी, और बैंक अपनी जिम्मेवारी ज़रूर लेगा कि उसका पैसा कैसे रिटर्न होगा। कोई भी लोन देने के लिए नहीं है। आज लॉकडाउन खोल दिया गया, स्थिति ऐसी है रोड पे चले जाए अभी से जाम लगने शुरू हो गए हैं, पब्लिक निकल के आ गए तो क्या बचना हुआ है। जब सरकार को जब लॉकडाउन खोलना ही था और प्रवासियों को भेजना ही था, तो जब लॉकडाउन स्टार्टिंग में शुरू करा था तो तभी लोग सरकार कह देती भाई 1 अप्रैल से हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जिस मजदूर को या जिन लोगों को अपने गांव अपने परिवार में जाना है वो जा सकते हैं, उसके बाद 2 महीने या 3 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, और जो जाएगा तो उसकी अपनी स्थिति होगी। इसलिए सरकार को बहुत चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादातर सरकार इससे फेल हो गई है। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो सहायता करनी है तो डायरेक्ट लोगों के खाते में डालें, जिससे लोगों के पास पैसा जाएगा वो अपने काम करें। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कहीं पर आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, जनता के हाथ में कुछ नहीं जाता, जो जाता है वो नेताओं के हाथ में जाता है या अधिकारियों के हाथ में जाता है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।